मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कल गंधवानी विधानसभा के पूर्व वन मंत्री श्री उमंग सिंगार ने जमकर निशाना साधा और कहा कि ऐसे व्यक्ति को जिताना है जो आपके वोट को बेच ना पाए और बदनावर में कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार श्री कमल पटेल को जिताना है। कमल पटेल जी का एक किसान के बेटे हैं और उन्होंने गरीबी भी देखी है और गरीबी क्या होती है वही आपके हक की लड़ाई लड़ सकता है। वन मंत्री ने कहा है कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा और नकली शेरों को मछिया घाट छोड़कर आना है। इस मौके पर गंधावनी विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेसी कमल पटेल भी मौजूद रहे। हमारे संवाददाता ने विजय पंडित जी से फोन पर चर्चा की और कहा कि बदनावर विधानसभा की क्या स्थिति है। उन्होंने कहा है कि हम एक दिन में 8 बजे से 10 बजे तक गांव में जाते हैं और वहां पर हमें किसान गरीब मजदूर लोग मिलते हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा है कि पहले जो कमलनाथ की सरकार थी उसमें हमारा बिजली का बिल बहुत कम आता था और कुछ किसान भाइयों ने हमें प्रमाण पत्र भी दिखाए हैं कर्ज माफ़ के और कहा है कि अगर सरकार आगे तक चलती तो सारे किसानों के कर्जे 2 लाख तक के माफ हो जाते, मगर जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने कांग्रेस से गद्दारी करके बीजेपी में शामिल हुए, इसलिए विकास रुक गया और हम कमलनाथ सरकार को वापस सरकार में देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज सिंह चौहान है। कहाँ रहता है? पाना रहता हूँ। अच्छा, अभी आपके क्षेत्र बदनावर में उपचुनाव है, आप किसकी सरकार चाहते हो? हम तो पहले जो थे उसी की सरकार चाहिए, कमलनाथ जी की सरकार होना चाहिए। ऐसा क्यों? कमलनाथ जी ने क्या काम करा है? उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन को बढ़ाया उन्होंने, 300 रुपये मिलते थे 600 रुपये करेंगे उन्होंने, किसानों के बीच में बहुत सारे काम किए हैं और उनके रहते हुए इस गांव में बहुत सारे काम हुए हैं, पाना गांव में भी हुए हैं। ऐसे अच्छी सरकार है, महिलाओं का भी अच्छा उन्होंने ध्यान रखा है, गरीबों का भी ध्यान रखा है। अभी आप कौन सी सरकार के पक्ष में हैं, कौन सी सरकार चाहते हैं? हम तो यही चाहेंगे कि कमलनाथ सरकार ही वापस बैठे और वही हमारे मुख्यमंत्री बने। तो वो कहते हैं कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा, लेकिन ये नकली शेरों को मछलिया घाट, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो लोग हैं आपको लूटने वाले राजा नहीं हो सकते। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कमल सिंह पटेल आपके बीच का आदमी है, किसान आदमी है, आपके बदनावर का रहने वाला आदमी है, आपको लूटने वाला आदमी नहीं है, छोटा किसान आदमी है। उस किसान को आपको जिताना है, ऐसे लोगों को मत जिताना जो इंदौर और बेंगलोर के अंदर रहते हैं, आपके वोट को ले जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस बार चुनाव में जो आपके किसान कर्ज आधे अधूरे माफ हुए, जो आपने पूरा पैसा खाते में डाल दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी ने पैसा वापस निकाल लिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रदेश के पूर्व मंत्रियों के नाते, जैसी कांग्रेस की सरकार बनेगी आपके खातों में पूरा पैसा आएगा किसान कर्ज का। ये मैं आपको जो आपके 100 रुपए के बिजली के बिल थे, जो 500, 1000, 2000, 3000 रुपए आने लगे, वापिस से आपके 100 रुपए के बिजली के बिल होंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये कहना चाहता हूँ। और मेरी महिलाएं जिनको समूह के लिए हमने कांग्रेस के वचन पत्र में कहा था कि सरकार बनी और आपके लिए जो आप पे कर्जा है पूरा समूहों का, वो पूरा महिला समूह का कर्जा माफ होगा, ये भी हम तो ये चुनाव आपके ईमान का चुनाव है, आपने ईमानदारी से कांग्रेस के साथ खड़े हैं, आपने कांग्रेस की आप नहीं हुए, आप कांग्रेस की ताकत है, तो इस बार आपको ऐसा तीर चलाना है कि पता चल जाए कि हमारा वील भाई को ढील नहीं रखता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं
तैयार हो जाओ। ये आपकी इस बार लड़ाई है। मैदान के अंदर आने वाले 5 साल अगर आपको मजबूती से रहना है और आपको इस भयमुक्त आपके क्षेत्र को करना है, पूरी ताकत दिखाएं। मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपको एक विधायक के साथ 2 विधायक मिलेंगे इस बदलाव के लिए काम करने के लिए। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। यही मैं आप ज्यादा बोल नहीं सकता हूं, लेकिन वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से हारून खत्री की रिपोर्ट।